देखिए, बांग्लादेश में सनातन खतरे में है। सनातन के लोगों को एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूँ दुनिया के सनातन धर्म को मानने वालों से कि ये वो वक्त है जब सनातन को एक होना चाहिए। जहाँ तक सवाल बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारी बहन बेटी, उनकी अस्मिता, उनके अस्तित्व से खेला जा रहा है। हमारे वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को जेल भेजा जा रहा है। तो बांग्लादेश की हुकूमत जो कर रही है, मुझे लगता है, और वहाँ के जो उपद्रवी और आतंकवादी तत्व हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे मिली हुई है, और ये गलत है। इस्लाम के नाम पर आप किसी के घर को जला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर आप किसी मंदिर को तोड़ रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी इस्लाम के नाम पर हो रहा है। तो पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्रीज से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें। इस्लाम के नाम पर जो बदनुमा दाग लगाया जा रहा है, ये गलत है। और हिंदुओं से मैं चाहता हूँ वो एक रहें, हिम्मत ना हारें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिम्मत नहीं हारनी है। सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, लेकिन राहुल गांधी और उनकी जो टोली है, चंगू मंगू उनके संग है, वो तो भारत को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। गुरु जी, संभल को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। डेलीगेशन कल भी गया था, उनको रोका गया, आज भी एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि सांसद और एमएलए के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इतनी गहमागहमी वहाँ हुई है। पहले पत्थर फेंकवाते हो, फिर दंगा भड़कवाते हो, फिर मुसलमानों को मरवाते हो, फिर डेलीगेशन भिजवाते हो। वाह, अखिलेश यादव जी, क्या क्या रंग दिखाते हो, क्या क्या खेल रचाते हो। याग लगाई किसने? अब बुझाने का नाटक कर रहे हो, घड़ियाली आंसू बहाते हो। पहले पत्थर फिकवाओगे, दंगा भड़काओगे, लोगों को मरवाओगे, फिर डेलीगेशन भिजवाओगे। सच बात यह है, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जिस तरह हारी है, उसका बदला लेने के लिए ये दंगा कराया गया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। गुरु जी, वहां पर यह भी कहा गया है कि जो गोली से लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन लोगों के पास हथियार पहले से मौजूद थे, और अब पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा। देखिए, जो दंगा भड़काएगा, जो पुलिस पर हमला करेगा, जो पुलिस प्रशासन को मारेगा, जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा, जो योगी आदित्यनाथ को गाली देगा, उन सब का साथ समाजवादी पार्टी देगी। ये समाजवादी पार्टी की विशेषता है। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जो आज अदालत के फैसले पे सवालिया निशान उठा रही है। ये समाजवादी वो पार्टी है जिसकी सरकार ने कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई। क्यों लगाई? ये सेक्युलरिज्म के तमाम सूरमा तब चुप थे। सनातन पे हमला हो तो सेक्युलरिज्म, सनातन की बात हो तो कम्युनलिज्म, ये दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। संभल के लोगों को शांति बनाए रखनी है। संभल के लोगों को से मैं अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहकावे में आकर के अपना घर बर्बाद ना करें। न्यायपालिका पे भरोसा रखें, कोर्ट पर भरोसा रखें, कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करें। गुरु जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अडानी के मामले को लेकर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन कल भी उन लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, आज भी कभी कुछ ऐसा लग रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक जांच बैठाएं, अडानी और अडानी की कंपनी और अडानी की कंसर्न कंपनियों से कांग्रेस को कितना पैसा मिला, इनके किस किस नेताओं ने पॉलिटिकल फंड अडानी की कंपनियों से लिया है,
इनके किस किस मुख्यमंत्री ने, किस किस सरकार ने अडानी को जमीनें दी हैं, अडानी के प्रोजेक्ट्स लगवाए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बताएं कि अडानी और अंबानी की कंपनियों से कांग्रेस के चुनावों में चंदा कितना आया है, कितना नंबर एक में आया, कितना नंबर दो में आया, पता चल जाएगा। गुरुजी, पीटीआई का बवाल हो रहा है पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान कोई देश नहीं बचा है। पाकिस्तान हुड़दंगियों की, दहशतगर्दियों गर्दों की और आतंकवादियों की एक जमात कंट्रोल में है। वहाँ शरीफ आदमी सांस लेना भी उसको मुश्किल हो गया है। जो शरीफ आदमी होगा वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता।